अगर आप लार्ज ऑडियंस तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस की सेल्स या ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि हम ऐसे बहुत से लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जिनकी बातें हमें सच लगती है, जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं और उनके कहने पर बहुत से परचेसिंग डिसीजंस भी लेते हैं। वो लोग ही तो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और उन्हीं के जरिए तो कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करता है। क्या आप यहाँ पर कुछ समझे? अगर नहीं तो आगे वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको समझ में आता जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्स के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? ये एड्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हिस्सा है और क्योंकि आज मार्केट ऑनलाइन हो गया है तो शॉपिंग भी ऑनलाइन काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी कि एड्स से भी ज्यादा तेजी से अपनी पकड़ बना रही है। जैसे एड्स में अमित जी बीका जी का प्रमोशन करते दिखाई देते हैं, बस काफी हद तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी ये सब होता है। कुल मिलाकर हमारी पसंद के सेलिब्रिटीज या सोशल मीडिया स्टार्स जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हमें सजेस्ट करते हैं तो हम उसे खरीदने के लिए जल्दी ही तैयार हो जाते हैं और ये हमारे ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है। इस इन्फ्लुएंस की वजह से किसी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, उसे प्रॉफिट होता है और इसीलिए ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। आपको शायद यकीन ना हो लेकिन ये सच है कि 86% यानी कि 86% विमेन शॉपिंग से पहले सोशल नेटवर्क्स पर उस प्रोडक्ट को चेक करती है और उनके इन्फ्लुएंसर्स जिस प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं वो उसे ही खरीदती है। और ऐसा हर तरह के प्रोडक्ट में हम सबके साथ होता है, तभी तो ज्यादातर कंपनीज इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करके मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाने में लगी है। ये इन्फ्लुएंसर्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि मेगा इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज इस टाइप में आते हैं। उनकी पहुंच सबसे ज्यादा ऑडियंस तक होती है और ये अपने आप में किसी ब्रांड से कम नहीं होते। जैसे अमिताभ बच्चन और विराट कोहली, ऐसे सोशल मीडिया स्टार्स जिनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, वो भी इस टाइप में शामिल होते हैं। दूसरे टाइप में आते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे यूट्यूबर्स और प्रोफेशनल ब्लॉगर्स जिनके 1 लाख से 1 मिलियन तक यानी कि 1 मिलियन तक फॉलोअर्स होते हैं, वो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। और आपको और हमें लाइफस्टाइल, बिजनेस या फैशन जैसी स्पेसिफिक कैटेगरी पर इन्फ्लुएंस करना इन्हें बखूबी आता है। और तीसरे टाइप के इन्फ्लुएंसर होते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे एवरीडे कंज्यूमर्स जिनके 1000 से 1 लाख तक फॉलोअर्स होते हैं, वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। इन्हें अपने फील्ड की अच्छी नॉलेज होती है और इनके सजेशंस ज्यादा ऑथेंटिक लगते हैं, रियल लगते हैं, इसीलिए बहुत से मार्केटिंग कैंपेन्स इनके साथ ही शुरू किए जाते हैं। टॉप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स में जहां संदीप माहेश्वरी और निशा मधुलिका जैसे इन्फ्लुएंसर्स के नाम शामिल हैं, वहीं इंस्टाग्राम के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में प्रियंका चोपड़ा और जैकलिन फर्नांडिस जैसी कई सारे स्टार्स शामिल हैं। इनके अलावा एक टाइप नैनो इन्फ्लुएंसर्स का भी होता है जिनके 1 से 5 हजार तक फॉलोअर्स होते हैं। इनके साथ कोलैबोरेट करने से कंपनी को कम पेमेंट करना पड़ता है और ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इनकी एंगेजमेंट रेट्स भी काफी हाई होती है और लोग स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स पर ट्रस्ट भी ज्यादा करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में ये सब जान लेने से ही आप इसका प्रॉपर यूज करके अपने ब्रांड की मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का भी ध्यान रखना होगा, जैसे आपको ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट करना होगा जिसकी ऑडियंस आपके बिजनेस या इंडस्ट्री से रिलेट करती हो, उसके फॉलोअर्स भी ज्यादा होने चाहिए ताकि आपको ज्यादा रिस्पांस मिलने के चांसेस बने। ये भी ध्यान रखना होगा कि केवल ज्यादा फॉलोअर्स होने से ही मार्केटिंग परफेक्ट नहीं हो जाएगी, बल्कि जितना स्पेसिफिक नीश होगा उतनी ऑथेंटिसिटी और फॉलोअर्स एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स या सर्विस का प्रमोशन करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसे कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, उनका जेंडर, एज, लोकेशन जैसी सारी स्पेसिफिक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और जब आप अपना मार्केटिंग प्लान बनाए तो ध्यान रखें कि वो स्पेसिफिक हो, आप उसके रिजल्ट्स को लिमिटेड टाइम में मेजर कर पाए, आपको उससे फेवरेबल रिजल्ट भी मिल सके और वो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो। आपको अपने कैंपेन के लिए सही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चूज करना होगा, जैसे कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपको यूट्यूब पर अपना मार्केटिंग कैंपेन क्यों चलाना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि YouTube सेकंड मोस्ट विजिटेड वेब पेज है और इस पर 2 बिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर YouTube वीडियोस के जरिए आप ब्यूटी, फिटनेस, ट्रैवल, फूड और ऐसी ही बहुत सारे एरियाज में अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। और बात करें Instagram की तो इसे भी कम मत समझिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर भी मंथली एक्टिव यूजर्स 1 बिलियन से ज्यादा ही है। ऐसे में आप मार्केटिंग के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म ही चुनिए ताकि आपका मैसेज सही और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंच सके और आपके ब्रांड को बेस्ट एंगेजमेंट रेट और ग्रेट अचीवमेंट्स रिसीव हो सके।
अगर आप बेहतर रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपका मैसेज जो आप इन्फ्लुएंसर्स के जरिए लार्ज कंज्यूमर ग्रुप तक पहुंचाना चाहते हैं वो यूनिक भी होना चाहिए, तभी तो कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे। और हाँ, आपको अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के हर स्टेप को ट्रैक भी करते रहना चाहिए ताकि उसकी प्रोग्रेस का पता चल सके। इसके लिए आप ट्रैकर, क्लेयर, टॉमसन जैसे टूल्स की मदद भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक परफेक्ट नीश चुनकर एक परफेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करके उस पर अपना कंटेंट डालना होगा। अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करते रहेंगे तो आपको भी ब्रांड इन्फ्लुएंसर के तौर पर अप्रोच करना चाहेंगे। इसके अलावा आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट, वेबिनार्स, एफिलिएट मार्केटिंग, कंसल्टिंग जैसे ऑप्शंस के जरिए भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, क्या वाकई में ये जानकारी आपके काम आई, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो वो भी बताइएगा और लाइक करने के साथ साथ बाकी लोगों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलेंगे बहुत जल्दी ही ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।